नैब रेफरेंसेस की तीन नैब रेफरेंसेस की एहतसाब अदालत में समाअत से मुतालिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख मुकर्रर की गई है, ये तारीख मुकर्रर करने के हुक्मनामे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जैसे कि कल ये समाअत होनी है और इत्तलात यही है ज़राए के मुताबिक कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख मुकर्रर की गई है इस हुक्मनामे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। कैप्टन सफदर ने अपने वकील अमजद परवेज़ के जरिए दरख्वास्त दायर की है एहतसाब अदालत को 13 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए, ये इस दरख्वास्त के जरिए इस्तदा की है कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने। और इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाता है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी, यह तारीख थी 13 अक्टूबर। यह तारीख मुकर्रर करने के हुक्मनामे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। कैप्टन सफदर ने अपने वकील अमजद परवेज के जरिए यह दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत को 13 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए, और यह भी इस्तदा की गई है कि कानून के मुताबिक फर्द जुर्म के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाता है, इसलिए एहतसाब अदालत को 13 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए। एहतसाब अदालत ने अगली समाअत जो 13 अक्टूबर तक मुलतवी की थी, कल मुमकिन तौर पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने के हुक्मनामे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है।